सनातन धर्म में जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर पहले भी आंदोलन हुआ है कि आर्य समाज क्या था। मध्य प्रदेश में सनातन धर्म को लेकर सियासत जारी है। हिंदू राष्ट्र के हमेशा खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने फिर से सनातन धर्म पर तंज कसा है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भारत जोड़ो यात्रा की एक साल पूरे होने पर भोपाल में कांग्रेस की पद यात्रा में शामिल हुए थे। दिग्विजय सिंह ने डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर कहा कि सनातन में कुरीतियों के विरुद्ध पहले भी आंदोलन हुए हैं। एक बात समझ लीजिए, सनातन धर्म जो है वो अनादिकाल से चला हुआ है। हाँ, उस सनातन धर्म में जो भी सामाजिक कुरीतियां हैं उन पर पहले भी आंदोलन हुआ है कि आर्य समाज क्या था। आर्य समाज उन्हीं कुरीतियों के खिलाफ आवाज थी, लेकिन फिर भी किसी भी धर्म के खिलाफ किसी को सोच विचार कर इस बात को कहना चाहिए कि इस संदर्भ में उन्होंने कहा, मैं तमिल भाषी नहीं हूँ इसलिए मैं ज्यादा इस बारे में किसी। बयान पर सत्ताधारी बीजेपी ने पलटवार करते हुए बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर दिग्विजय पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि सनातन धर्म में कुरीतियां बताते हुए आपको शर्म नहीं आई दिग्विजय सिंह जी? आपने अगर एक शब्द भी दूसरों की कुरीतियों पर बोला होता तो भी समझ आता। यहाँ वहाँ की बात करने से अच्छा होता कि उदयनिधि स्टालिन के सनातन विरोधी बयान का विरोध कर कड़ी निंदा करते, लेकिन वो आपसे होगा नहीं क्योंकि आपकी रगों में भी सनातन और हिंदू धर्म का विरोध फुर्ती भर कर दौड़ता है। तभी तो आपको भगवा में आतंकवाद दिखता है, 26/11 के हमलों में ISIS से ज्यादा RSS नजर आती है, बजरंग दल में गुंडे और जाकिर नायक में शांति दूत नजर आता है आपको, ओसामा और लादेन को जी कह के पुकारते हैं। आप भूल गए क्या जब आपके हिंदू विरोधी बयान के चलते AICC के सदस्य विश्व बंधु राय ने सोनिया गांधी से माफी मांगकर आपके हिंदू विरोधी बयानों पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन रोक ना लग सकी क्योंकि कांग्रेस में जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ है। याद रखिए, सनातन विरोधी करतूतों के चलते घमंडिया गठबंधन तो औंधे मुंह गिरेगा ही, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सूपड़ा भी साफ होना तय है। आपको बता दें, नीमच में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पर पथराव हुआ था। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा इस हमले के पीछे दिग्विजय सिंह और कमलनाथ की साजिश बता चुके हैं। फिर इस आरोप पर दिग्विजय सिंह ने कहा, बात यह है कि मेरे पास कौन सी पत्थर मिसाइल है जो भोपाल में बैठकर उनकी कारों का शीशा तोड़ दूं। दिग्विजय सिंह ने पहले भी हिंदूफोबिक बयान दिए हैं और हिंदू राष्ट्र की निंदा करते हुए कड़ा विरोध किया है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।